हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लॉ ऑफ इनिशियो। आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन 6 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट। पहले हम देख लेते हैं कि अमेंडमेंट के पहले ये सेक्शन क्या कहता था। इस सेक्शन में बात हुई थी प्रोविजन ऑफ द डिवोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट इन अ को पर्सनली प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन हु डाइड इन द स्टेट। मतलब डिवोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट कैसे होगा को पर्सनली प्रॉपर्टी में, कब? जबकि कोई पर्सन की डेथ हुई है इन द स्टेट। इन द स्टेट का मतलब होता है जब उसने अपनी विल नहीं बनाई है। ठीक है, अब किसी व्यक्ति ने अगर अपने विल नहीं बनाई है तो उसके बाद डिवोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट कैसे होगा को पर्सनली प्रॉपर्टी में, इसकी यहाँ पे बात हुई है। ठीक है, तो उसमें बताया गया था अगर कोई पर्सन ऐसे उसका डेथ हो जाती है तो यहाँ पे बात हुई थी जो प्रॉपर्टी है वो किसके पास जाएगी, ओनली मेल हायर्स के पास। मेल हायर्स के पास क्यों जाएगी, क्योंकि हम ऐसा मानते थे कि जो को पार्सनर्स होते हैं वो कौन होते हैं, सिर्फ मेल होते हैं, सिर्फ मेल हायर्स होते हैं दैट आर नॉट मोर देन 3 degrees टू द को पार्सनर। 3 degree तक होते हैं, मतलब जैसे कि सन, ग्रैंड सन एंड ग्रेट ग्रैंड सन। ठीक है, ये 3 degree हो गई, यहाँ तक ही हम को पार्सन मानते हैं, इसके आगे के लोगों को पार्सन नहीं माना जाता है। तो डिवोल्यूशन इस बेसिस पे होता था, सिंपल है, सिर्फ मेल मेंबर्स को होता था। मेल मेंबर्स में क्या, को पार्सनर्स को होता था। को पार्सनर का मतलब क्या होता है, 3 degree तक। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, सेक्शन 6 का अमेंडमेंट हुआ। जब अमेंडमेंट आया, अमेंडमेंट ऑफ 2005, उसमें क्या हुआ कि यहाँ पे जो बात उठी वो ये थी कि अब जो डिवोल्यूशन है वो कैसे होगा। तो यहाँ पे बात आई, डिवोल्यूशन दोनों तरीके से हो सकता है, सर्वाइवरशिप से भी और सक्सेशन से भी। लेकिन इसमें एक और चीज़ का, इस चीज़ की बात करी गई कि सर्वाइवरशिप में तभी होगा जब वहाँ पे सिर्फ मेल हायर्स हैं। ठीक है, मतलब हम जो भी सक्सेशन कर रहे हैं वो सर्वाइवरशिप पे बेस्ड करेगा अगर वहाँ पे सिर्फ मेल हायर्स हैं या वहाँ पे जैसे कस्टम लागू होते हैं। पर डिवोल्यूशन कैसे होगा, ऑन द बेसिस ऑफ सक्सेशन होगा। ठीक है, ना कि सर्वाइवरशिप के हिसाब से नहीं होगा, कब, जब वहाँ पे को पार्टनर दोनों हैं, मेल एंड फीमेल। ठीक है, तब कैसे होगा, अकॉर्डिंग टू द लॉ होगा, जो ये लॉ मतलब कि जो सेक्शन 6 बता रहा है। दिस इज़ ओनली एप्लीकेबल व्हेन द डिवोल्यूशन टू द फीमेल इज इन द सेम क्लास प्रिस्क्राइब बाय लॉ। ठीक है, यह है अमेंडमेंट इसका। इसके अमेंडमेंट में और इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या थी, वो ये था कि सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट बात थी, पहले जो सिर्फ सन के पास राइट था वो डॉटर के पास भी आ गया है। ठीक है, तो बोथ सन एंड डॉटर हैव इक्वल राइट, एज सच दे आर बोथ को पार्टनर्स बाय बर्थ इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। बाय बर्थ ही वो को पार्टनर बन जाते हैं, भले वो क्या हो, या तो वो सन हो या वो डॉटर हो। तो जो पहला ऑब्लिगेशन था सिर्फ मेल हायर का, वो ख़त्म कर दिया गया बाय द अमेंडमेंट। उसके बाद आता है द डॉटर ऑफ अ को पार्टनर हैज़ द सेम राइट बिस्टोव्ड ऑन द सन ऑफ अ को पार्टनर। जैसे को पार्टनर के सन पे जो भी राइट्स हैं, वही को पार्टनर के अगर कोई लड़की है, डॉटर है, तो उसके पास भी सेम राइट्स होते थे। ठीक है, अब जैसे राइट्स इक्वल हैं वैसे ही लाइबिलिटीज़ भी इक्वल हो गई। ठीक है, यहाँ पे ये बात कही गई कि जो लाइबिलिटीज़ सन के ऊपर थी वही लाइबिलिटीज़ अब डॉटर के ऊपर भी हैं। साथ ही ये बताया गया कि जहाँ जो फीमेल्स हैं, द फीमेल सच एज डॉटर, ग्रैंड डॉटर एंड ग्रेट ग्रैंड डॉटर्स आर ऑल्सो इंटाइटल टू बीक्विट देयर इक्वल शेयर्स एज को पार्टनर्स जस्ट लाइक द मेल को पार्टनर्स। बीक्विट का मतलब क्या हुआ, वो अपनी प्रॉपर्टी को जैसे चाहें वैसे आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो एक राइट आया वो डॉटर, ग्रैंड डॉटर, ग्रेट ग्रैंड डॉटर के पास भी ये राइट आ गया कि वो अपनी प्रॉपर्टी को देखें कि उन्हें कैसे बीक्विट करनी है। ठीक है, द एक्ट इज एप्लीकेबल टू हिंदू हु डाइज विद अ टेस्टामेंट्री और इंटरस्टेट आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द अमेंडमेंट एक्ट। अमेंडमेंट एक्ट के बाद क्या हुआ, या तो टेस्टामेंट्री मतलब अपने विल बना के अगर जा रहे हैं, या वो बिना विल के अगर उनकी डेथ हुई जा रही है तो, और ये अमेंडमेंट एक्ट आ गया है तो किस बेसिस पे होगा, जैसे सेक्शन 6 में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद एक केस आया था प्रकाश वर्सेस फूलावती। ये केस इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे इंटरप्रिटेशन हुआ था। बेसिकली यहाँ पे क्या बात आई हुई थी, एक प्रॉपर्टी थी फादर की। ठीक है, द कोर्ट कंसिडर द फैक्ट दैट द फादर डाइड प्रायर टू द पैसेज ऑफ द एक्ट एंड डिलीवर्ड एन इंटरप्रिटेशन। इसमें हेल्ड किया गया कि ये जो एक्ट है, ये जो अमेंडमेंट एक्ट है, ये बेसिकली कैसा है, प्रोस्पेक्टिव, आगे का सोचता है, ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, मतलब इसको पीछे से लागू नहीं किया जाएगा। देयरफॉर द एक्ट विल अप्लाई फॉर द डेथ ऑफ द पर्सन हु डाइड आफ्टर द 9th September 2005 व्हेन द एक्ट केम इनटू फोर्स एंड नॉट प्रायर। मतलब 2005 के बाद ये जो एक्ट है ये इन्फोर्स हुआ, फोर्स में आया, तो इसके बाद से ये लागू होगा, रेट्रोस्पेक्टिव लागू नहीं होगा। In the case when the deceased dies prior to the commencement of the act, the rule of survivorship shall apply to the family. जैसे हमने क्या पढ़ा, दो रूल थे ना, सर्वाइवरशिप और सक्सेशन। अब क्या है, अब सक्सेशन का रूल लागू होता है, ना कि सर्वाइवरशिप का। ठीक है, therefore the daughter will have no equal share in the estate of the father.
ठीक, ये ऐसा यहाँ पे क्यों हुआ, क्योंकि ये अमेंडमेंट एक्ट पहले इनके फादर की डेथ हो चुकी थी। ठीक है, एक और जो चीज़ है सेक्शन सिक्स में वो है इसका क्लॉज टू। इसका क्लॉज टू वही बातें करता है कि एनी प्रॉपर्टी टू विच अ फीमेल हिंदू बिकम्स इन टाइटल बाय वर्च्यू ऑफ सब सेक्शन वन शैल बी हेल्ड बाय हर विद द इंसिडेंट्स ऑफ को पार्सनरी ओनरशिप एंड शैल बी रिगार्डेड नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स एज प्रॉपर्टी केपेबल ऑफ बींग डिस्पोज ऑफ बाय हर बाय टेस्टमेंट्री डिस्पोजिशन। मतलब ये है क्लॉज वन, जो उसे को पार्सनरी राइट्स में जो भी उसे प्रॉपर्टी मिली है किसी फीमेल को, वो उसे क्या करती है, डिस्पोज ऑफ कर सकती है जैसा वो चाहे, आगे चल के वो कैसे भी उसको डिस्पोज ऑफ कर सकती है बाय द टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन, अपने विल बना के जैसे चाहे वैसे डिस्पोज ऑफ कर सकती है। एक इसका फोर्थ क्लॉज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बात क्या होती है, कोर्ट ने कहा कि वो रिकग्नाइज करता है कि एनी राइट टू प्रोसीड अगेंस्ट अ सन ग्रैंड सन एंड ग्रेट ग्रैंड सन फॉर द रिकवरी ऑफ एनी डेप्ट ड्यू फ्रॉम हिज फादर ग्रैंड फादर एंड ग्रेट ग्रैंड फादर। मतलब कि इसमें क्या बात करी गई है कि एक चीज़ होती है पायस ऑब्लिगेशन। पायस ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है कि हमने पूर्वजों का जो डेट है उसे अपने ऋण को चुकाना, अपने पूर्वज के जो भी उनके लोन्स ऋण थे उन्हें चुकाना। ठीक है, तो पहले क्या होता था कि कोई भी जैसे यहाँ पे हुआ सन ग्रैंड सन ग्रेट ग्रैंड सन ये बाउंड होते थे कि आपको उनके जो भी डेट्स हैं उनको आपको चुकाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे ये अमेंडमेंट आया और यहाँ पे इसको एंड कर दिया गया। यहाँ पे कहा गया कि नहीं, वो रिकवरी आप नहीं कर सकते डेट की उनके सन से ग्रैंड सन से या ग्रेट ग्रैंड सन से। ठीक है, मतलब ये जो प्रायस ऑब्लिगेशन का कॉन्सेप्ट था ये यहाँ पे ख़त्म हो गया। सर्टेन एक्सेप्शंस इसके दिए गए थे, जैसे राइट ऑफ क्रेडिटर, ये अभी भी लागू है, या अगर एलिनेशन हुआ है बिफोर द अमेंडमेंट तो ये लागू है। बस दो ही इसके एक्सेप्शन है, बाकी ये जो एक ऑब्लिगेशन थी एक तरीके से जो चलती आ रही थी हिंदू सक्सेशन एक्ट में, उसको ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, तो ये था सेक्शन 6 के बारे में हिंदू सक्सेशन एक्ट। थैंक यू।